15 अगस्त 1947, इस दिन को याद करके आपको कैसा लगता है? उस दिन को आज याद करके गर्व मिश्रित आशंका का भाव मन में आता है। यद्यपि जब 15 अगस्त सचमुच आया था उस दिन इलाहाबाद में मैं था और उत्साह अधिक था। यद्यपि ये नहीं कह सकता हूँ कि उस वक्त भी आशंका की छायाएं मौजूद नहीं थीं। जिस वक्त हम आज़ादी का एक जश्न जैसा मना रहे थे उस वक्त भी ये देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दंगों की और संभावित बंटवारे के कारण लोगों के इधर से उधर जाने की जो खबरें थीं वो बहुत आश्वस्त करने वाली पूरी तरह नहीं थीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उस दिन जो भाव था मन में एक उपलब्धि का भाव था। इलाहाबाद में उस दिन किस तरह से 15 अगस्त मनाया गया? मैं समझता हूँ कि जैसा दूसरी तमाम जगहों में हुआ, लोग अपने अपने घरों से निकलकर बड़ा जो वहाँ का बाजार है चौक मुख्य घंटाघर के पास, वहाँ ऐसा लगता है कि लाखों लोगों की भीड़ वहाँ जमा थी और सब उत्साह में एक दूसरे से मिल रहे थे, गाने गाए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, भीड़ थी। एक जैसे लग रहा था कि हमने एक कोई बड़ी भारी उपलब्धि हासिल की है। सुविख्यात नाट्य समीक्षक, कवि, आलोचक श्री नेमी चंद्र जैन का रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 16 अगस्त 1919 को आगरा में जन्मे श्री जैन को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली साहित्य कला परिषद, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। अनेक पुस्तकों के लेखक श्री जैन 1965 से रंग जगत की प्रमुख पत्रिका नटरंग का संपादन प्रकाशन कर रहे हैं। मेरा प्रारंभ मेरे जीवन का साहित्य से, कविता से हुआ, वही मेरा मुख्य क्षेत्र था। कुछ थोड़े से अरसे के लिए जब मैं कलकत्ता में रहा तो वहाँ जन नाट्य संघ यानी नाटक से संपर्क मेरा हुआ और उसी सिलसिले में फिर मैं अगले 3 वर्ष मैंने बम्बई में बिताए, इप्टा के केंद्रीय नाट्य दल के साथ संबद्ध रहा और जब वो समाप्त हुआ तो मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद आकर रहना शुरू किया और वास्यायन जी के साथ प्रतीक नाम की पत्रिका निकालने के कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो नाटक और साहित्य मेरे जीवन में लगातार शुरू से जुड़े हुए रहे हैं। ये निरा संयोग है कि बाद के वर्षों में मेरा मुख्य कार्यक्षेत्र रंगमंच, नाटक और उसका अध्यापन, लेखन इत्यादि हो गया।